पर ये थकती नहीं है। अच्छा थकती नहीं ना ड्राइवर, आप थक जाते हो? ना हम भी नहीं थकते। अच्छा, और रोड पर आप चलेंगे तो ऐसा फील होगा कि आप ही चल रहे हैं बस। अच्छा, मतलब ना ड्राइवर थकता है ना गाड़ी थकती नहीं थकती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिनिया ऑटो व्लॉग्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं ऑल न्यू टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का ओनरशिप रिव्यू, और हमारे साथ में है इस कार के ड्राइवर और भैया का नाम है सोनू मिश्रा, और ये इस कार को ड्राइव करते हैं। और ये जो कार है ना, ये 2023 मॉडल है, और भैया से पूछेंगे इसके बारे में कि क्या इसकी खासियत है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्या चीज़ के बारे में ये बताना चाहते हैं, फुल डिटेल में बात करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे जो कॉन्टेंट है वो हमेशा हम आप लोगों से शेयर करते रहते हैं। तो भैया थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि जो कार है वो कितने टाइम से आप ड्राइव कर रहे हो? ये करीब 21 ईयर्स है। 21 साल से आप कार इंडस्ट्री में? तो पहले आप अपनी प्राइवेट कोई कार चलाते थे या फिर स्टार्टिंग से आप ये कमर्शियल सेगमेंट में ही है? पहले मैं प्राइवेट ही चलाता था और मैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में भी काम कर चुका हूँ। अच्छा, जाने की पूरी। अच्छा अच्छा, तो देखिए हमेशा ना जो एक कमर्शियल कार ओनर है या फिर ड्राइवर है, जो कि कार को ड्राइव करता है ना, वही उस कार के बारे में ना एक अच्छी चीज़ बता सकता है, क्योंकि जो कमर्शियल कार है ना वो 10 गुना ज़्यादा चलती है एज़ कम्पेयर टू दी प्राइवेट कार, क्योंकि कमर्शियल सेगमेंट के अंदर कार सबसे ज़्यादा रन होती है। तो भैया अभी आप इस कार को लिए हुए कितना टाइम हो गया? ये अभी ज़्यादा नहीं है, पिछले 28 तारीख को आई है। अच्छा, 28 तारीख को ये आई है। तो अभी अगर हम बात करें इसकी, तो ये डीजल वेरिएंट है? डीजल वेरिएंट। तो अभी ये माइलेज कितनी दे रही है? ये सर अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो 14-15 तक की देती है। 14-15 की विदेशी? अच्छा, विदेशी के साथ। और अगर सिटी में चलेंगे तो 12। ये आप एसी में बता रहे हो? विदेशी। और अगर नॉन एसी कभी आपने इसको ट्राई किया है? नॉन एसी ट्राई किया है। नॉन एसी 13-14 हो जाता है आपके सिटी में। बहुत अच्छी माइलेज, ना कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, और अभी इसको अप्रोक्सीमेट देखे तो 20 दिन के आसपास हुए हैं। हाँ, तो अभी आप कितने किलोमीटर इसको चला चुके हैं? ये 3000 किलोमीटर हो गया। 3000 किलोमीटर आपने चला दिया। तो अभी इसको कहाँ कहाँ आप लेकर गए हो? मैं हिमाचल गया था, अभी बद्दी गया था। अच्छा, हिमाचल बद्दी। चंडीगढ़ गया था। अच्छा, पंजाब का एक शहर है डोगरी। अच्छा, वहाँ गए थे। अच्छा, और अगर हम बात करें इसकी, अभी कोई सर्विस वगैरह इसकी हो गई है? अभी पहला सर्विस हुआ इसका, जो 1000 पे होती है। अच्छा, उसमें सिर्फ धुलते उलते हैं, चेक वॉशिंग करते वगैरह नॉर्मली होती। हाँ, है तो वो तो फ्री सर्विस होती है। हाँ, बहुत सारे फीचर्स इसमें नया आया है। अच्छा, इनोवा। अच्छा। में जैसे पहले डीजल का फिल्टर होता था। हाँ जी। तो वो आपको चेंज करना पड़ जाता था बहुत जल्दी, लेकिन अब इसमें है कि ये अपने आप उसको साफ करेगी, इसका एक ऑप्शन है। अच्छा भैया, मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे आप हाईवे वगैरह पे ड्राइव करते हो, इससे पहले आपने कोई और कार भी चलाई है? हाँ, बहुत सारी कार चलाई है। पहले इनोवा से पहले आप कौन सी वाली कार ड्राइव कर रहे? मैंने BMW भी ड्राइव किया है, मर्सिडीज एस क्लास भी ड्राइव किया है, और एक जर्मन कार थी क्राइसलर। अच्छा, वो भी हमने ड्राइव किया है। पर सारी गाड़ी चलाने के बाद भी मेरे को 2-3 कार हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें इनोवा एक है। इनोवा क्रिस्टा। अच्छा, इस कार की आपने 3000 किलोमीटर को चला लिया है, तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या चीज़ लगी? सर ये थकती नहीं है। अच्छा, थकती नहीं है? ड्राइवर आप थक जाते हो? ना हम भी नहीं थकते। अच्छा, और रोड पर आप चलेंगे तो ऐसा फील होगा कि आप ही चल रहे हैं बस। अच्छा, मतलब ना ड्राइवर थकता है ना गाड़ी थकती है। देखिए टोयोटा इनोवा जो है ना, वो हमेशा से अपने इंजन के लिए, अपने मतलब पावर के लिए जानी जाती है। मतलब कोई भी उसको ड्राइव करे, कार 4-5 लाख किलोमीटर भी चल जाती है, बट उसके बाद भी कुछ नहीं मांगती है। पैसेंजर के लिए भी बहुत सारे कंफर्टेबल है, आप सीट देख सकते हैं, इतना कंफर्टेबल है, बैठेंगे तो फील होगा कि हम गाड़ी में बैठे हैं। अब पीछे कई गाड़ी में जैसे है, नाम नहीं लूंगा उन गाड़ियों का। हाँ जी। कई गाड़ियों में होता है कि आप पीछे बैठ रहे हैं तो आपको एक अजीब सा घुटन सी होती है, लेकिन इसमें आप खुद बैठ के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही आपको आगे बैठने में मजा आएगा, वैसे पीछे बैठने में मजा आएगा। चलिए एक बार अंदर भी चलते हैं और अंदर चलकर देखते हैं कि जो भैया बता रहे हैं क्या क्या चीज़ों के बारे में, क्योंकि देखिए जब कोई कार ओनर या फिर ड्राइवर उस कार को ज़्यादा लंबे टाइम ड्राइव करता है या कुछ किलोमीटर ड्राइव कर लेता है ना, उसके बाद उस कार की जो खासियत है और नेगेटिव्स वो पता चलते हैं। भैया अभी आपने 3000 किलोमीटर इस कार को चला लिया है, तो अभी कोई कुछ नेगेटिव या कोई बेकार चीज़ आपको लगी अभी तक इस कार की? कोई भी नहीं, क्योंकि अगर ऑन रोड हम देखें तो 35 लाख रुपए के आसपास ये कॉस्ट कर रही है। हाँ, इसका कोई मतलब मेरे को कोई मतलब वीकनेस नज़र नहीं आई, और सर्विस भी जो प्रोवाइडर हैं, जो आपका टोयोटा है कंपनी है, वो भी बहुत सारी एप्स दे रखे हैं कि आपके कहीं ब्रेकडाउन्स होते हैं, कुछ होते हैं, इमरजेंसी सर्विस आप फ्री टोल होगा वो। क्योंकि देखिए जब हम रोड ट्रिप्स कर रहे हैं और कमर्शियल कार जो भी चलती हैं वो लंबे लंबे रोड ट्रिप्स पर चलते हैं, और वहाँ पर अगर टोयोटा ऐसी सर्विस दे रहा है, आप इंडिया में कहीं भी इसकी सर्विस ले सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। वहाँ पर हमें
एक अकेलापन जो है वो महसूस नहीं होता अगर हम कभी भी रात में ड्राइव करें कभी भी, और अगर ऐसी सर्विस कंपनी दे रही है तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। तो अब चलते हैं फटाफट कार के अंदर, और कार के अंदर भी चलकर भैया से एक बार बात कर। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कार के अंदर, और अभी आप अपना पूरा इंटीरियर यहाँ पर देख सकते हैं। सो काफ़ी बड़ी जो टच स्क्रीन है वो यहाँ पर मिल जाती है, मैनुअल एसी यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर कुछ आप देखिए ऐप्स वगैरह वो सब भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी अगर हम एवरेज की बात करें ना, तो इस टाइम भी जो एवरेज है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 13.3 की जो एवरेज है ना वो अभी भी यहाँ पर शो कर रही है, जिसमें कि भैया जो है ना वो अभी इसको सिटी के अंदर ड्राइव कर रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 3500 के 3491 किलोमीटर के आसपास जो है ना वो कार अभी चल चुकी है। तो ये सिर्फ 20 दिन के अंदर जो है ना इतनी कार चली है, और अभी इस टाइम भी 13.3 की माइलेज वो भी सिटी के अंदर दे रही है, वो भी एसी ऑन पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर हम नॉर्मल कार्स भी देखें, मेरे पास होंडा सिटी है तो वो भी सिटी के अंदर 10 या 11 की एवरेज देती है, बट ये जो कार है ना ये माइलेज की वजह से भी, अपने इंजन की वजह से भी इतनी ज़्यादा कमर्शियल सेगमेंट में हमें देखने के लिए मिल जाती है। भैया जो अभी आप हमें डीजल फिल्टर की जो बता रहे थे वो कहाँ पर है? ये देखिए, इसका एक बटन आ जाता है यहाँ पे येलो कलर का। अच्छा अच्छा, वो और एक काउंटिंग बना लेता है 1 2 3 4। अच्छा। तो जब आपका फिल्टर गंदा आती है, जैसे डीजल डीजल पेट्रोल पंप पे कई बार होता है आपको फ्रेश नहीं मिलता है पेट्रोल पंप पे, उसमें कुछ होते हैं, तो उस पहले क्या होता था इंजन चौक हो जाता था, बंद हो जाता था, बिल्कुल बिल्कुल, फिर हमें बुलाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो अपने आप जैसे ही इंडिकेशन आ जाएगा और वो अपने आप काउंटिंग के हिसाब से 3 2 1 0 फिर वो हट जाएगा। अच्छा, ये अभी कुछ दिन कंपनी वाले के हिसाब से नया जब तक रहेगा तब तक ऐसा रहेगा, जब ये पुराना होगा तो फिर वो खुद करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे बटन है इसका। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बटन है ये बटन है ये। अच्छा। जहाँ पे मेरी उंगली है। हाँ जी हाँ जी, तो ये बटन को पुश करेंगे वो आ जाएगा। अच्छा, तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी की गई है, बहुत ही अच्छा है डीजल के लिए। इसका अगर आप थोड़ा सा देखोगे जो एक गियर लीवर है ये थोड़ा सा हिलता है, और हमने देखा जितनी पावरफुल कार्स होती हैं जिनके इंजन काफी ज्यादा बड़े होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है। तो जब आप इसको हाईवे वगैरह पर ड्राइव करते हैं तो वाइब्रेशन वाली कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो चला के देख सकते हैं। चलिए अभी चलाकर भी देखेंगे। कहीं भी आप अगर ऊंचाई पे भी चढ़ रहे हैं तो 2 से 3 गियर तक ही, 3 गियर ही यूज कर लेंगे उसी में वो चढ़ जाएगा। अभी तक आप इसको हिल स्टेशन वगैरह पर जब भी गए हो तो वहाँ पर हिल्स पे कैसा परफॉर्म किया है? बहुत सुंदर परफॉर्मेंस था इसका, और वो भी गाड़ी लोड थी, लोड के साथ में। तो मतलब ऐसा तो नहीं होता कि अंडर पावर लगता है इंजन? नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम जमीन पकड़ के चलेगी और कोई लोड आपको महसूस नहीं होगा कि गाड़ी पे मतलब वेट है या नहीं है, जबकि मैंने ये देखा है कि वेट जब रहता है तो और भी अच्छा ये चलती है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जब लोड होता है तो उसके बाद ये दबकर मतलब चलती है। लोड जब होता है और साथ में अगर आपके इंजन में पावर है तो स्मूथली वो चढ़ जाता है। चारों टायर में ABS है, स्लिपिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयरबैग्स हैं पूरे, एयरबैग्स हम लॉक भी कर सकते हैं अगर हमको नहीं देना मतलब नहीं चलाना। इसके अंदर वो ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो एयरबैग वगैरह लॉक भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ काफी अच्छी है। ये इको मोड और पावर मोड में जब आपने इसको ड्राइव किया होगा अभी तो कोई डिफरेंस आपको नजर आया? इको मोड में एवरेज भी बढ़िया आता है, पावर अगर मजबूरी है पावर मोड यूज करना, अगर आपको कहीं जल्दी जाना है कोई ऐसा केसेस हैं तो आप पावर यूज कर सकते हैं, तो फर्क तो रहता है, अच्छा खासा आरपीएम बढ़ जाता है इसका, आरपीएम बढ़ता है तो माइलेज तो थोड़ी सी रिड्यूस होती होगी जरूर, थोड़ा कम हो जाता है उसमें, 1-2 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है आपको। ऐसे जनरली जब इमरजेंसी है तो क्या फर्क पड़ेगा? हां जी हां जी, तो आपको फर्क समझ में ही नहीं आएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके अलावा अगर कोई दूसरा ऑप्शन लेंगे तो वो आपको महंगा लगेगा। अच्छा, ये जो कार है बीच में कैप्टन सीट यहाँ पर दी गई है। हाँ जी, और पीछे जो है वो बेंच सीट मिल जाती है, तो कैप्टन सीट के अंदर जो है काफी अच्छा जो एक कंफर्ट है वो कस्टमर को यहाँ पर जरूर मिल जाता है। जितने फॉरेनर कस्टमर होते हैं, अभी भी मैं नाम नहीं बताऊंगा, कंपनी का नाम भी नहीं बताऊंगा जिनकी ड्यूटी में हूँ, उनको यही ऑर्डर था कि हमें इनोवा क्रिस्टा ही चाहिए, क्रिस्टा ही चाहिए। उनको दिखाया गया कि हमारे पास MG हेक्टर है और भी कई गाड़ियां हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आई वांट ओनली क्रिस्टा। देखिए जब हम कमर्शियल सेगमेंट अगर कोई कार बुक करते हैं कि जाना होता है ना, तो लोगों की प्रेफरेंस एक इनोवा ही रहती है, इनोवा हर कोई इनोवा का नाम जानता है क्योंकि कमर्शियल सेगमेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा जानी जाती है और लोग इसको प्रेफर भी करते हैं। अच्छा, आपने इससे पहले जो इनोवा थी जो कि प्रीवियस जनरेशन थी और जो पहले आती थी, तो वो आपने कभी चलाई है?
चलाई, बहुत चलाई उसमें। और इसमें आपको क्या फर्क लगा? इसके फीचर्स बहुत हैं। हाँ, फीचर तो बढ़ चुके हैं। और उसके बाद सीट भी इसका कुछ डेवलप किया इन्होंने सीट को, और गाड़ी थोड़ा ऊंचा भी हुआ है पहले से। और चलाने में कोई फर्क? चलाने में सर फर्क तो पड़ा है, ये चलाने में काफी अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ। तो अभी तक आप कितने साल से आप ये कर रहे हो ड्राइवरी? 21 साल से आप कर रहे हो। और अभी तक अगर मैं एक देखूं कमर्शियल सेगमेंट में आपने हमेशा चलाया है, तो अभी तक आपको इसके कंपैरेटिव कोई कार लगी है अभी तक? अभी तक तो नहीं। चलिए अब एक बार कार को ड्राइव करता हूं मैं, और फिर थोड़ा सा देखता हूं, एक आध किलोमीटर में चलाऊंगा और देखता हूं कि कैसी है चलने में, फिर आप लोगों को बताते हैं। और अभी मैं से जो एक्सीलेटर पेडल है ना उसको मैं प्रेस भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्लच के बेसिस पे ही ना कार में इतनी ज़्यादा पावर है कि आराम से आगे की तरफ जा रही है। तो ये चीज़ ना हमें कार की जो पावर है ना वो भी बताती है कि हाँ कितनी रिलायबल है, कितनी पावर। आराम से आप देख सकते हो, अभी आप कह सकते हो क्रॉल जो है ना वो ये आराम से 10 की स्पीड पर इजीली कर रही है। इस टाइम मैंने अपने पैर वगैरह पैडल वगैरह से सब हटा रखे हैं, और RPM आप देख सकते हो 1000 RPM है। और मैं पहली बार इनोवा क्रिस्टा को यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ। और स्टेयरिंग की अगर हम बात करें ना, तो स्टेयरिंग इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरे को लगा, सर्कुलर शेप में है। और एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है, और टेलीस्कोपिक भी मिल रही है। मतलब ड्राइवर या फिर कोई भी अगर ओनर भी इसको ड्राइव करता है ना, तो उसके कम्फर्ट के हिसाब से हर एक चीज़ देख कर इसको डिज़ाइन किया गया है। तो भैया अगर सेकंड गियर की हम बात करें, दूसरे गियर पे कितनी स्पीड तक ये चली जाती है? दूसरे गियर पे 30 पे ले लेंगे। मतलब मैक्सिमम कितने स्पीड तक आपने ड्राइव करी है इसको सेकंड गियर पे? सेकंड गियर पे 30 बहुत है, साउंड आने लगता है। साउंड आने लगता है, इंजन का पावर ज्यादा है। हाँ, देखिए हमेशा अगर आपको माइलेज भी ज्यादा चाहिए ना, तो गियर शिफ्टिंग जो है ना वो स्पीड के अकॉर्डिंग हमेशा करनी चाहिए। और आपने इसको कितने ज्यादा जो स्पीड है, टॉप स्पीड आप कितना आपने इसको ड्राइव किया है? मैंने 120 पे ड्राइव किया था KMP पे। 120? हाँ, पता ही नहीं चलता। उससे ऊपर पे सेफ भी नहीं है, और हम रिकमेंड भी नहीं करेंगे कि इंडिया में कोई रोड ही नहीं है, रोड भी नहीं है। और उससे ऊपर हम रिकमेंड भी नहीं करेंगे कि आप इतनी ज्यादा स्पीड से भी ज्यादा कोई जो स्पीड है उस पर आप इसको ड्राइव करें। 120 का स्पीड आप चला सकते हैं, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। हाँ, मतलब जो गवर्नमेंट के लिमिट्स है एज पर दी रोड कंडीशन, हमेशा उस पर ही ड्राइव करना चाहिए। सूचना भी देती रहेगी जैसे आप 80 क्रॉस करेंगे, अभी अपने इंडिया में कमर्शियल गाड़ी का 80 का। हाँ जी, वो अब पैसेंजर सेगमेंट में भी आ रहा है, 80 पर जो इनिशियल जो वार्निंग है वो मिलती है, और 120 के बाद जो रेगुलर जो वार्निंग्स है ना वो मिलने स्टार्ट हो जाती है। ये सेफ्टी फीचर हैं जो कि अब हमें देखने के लिए मिलते हैं, और ये कंपलसरी भी है और सही भी चीज़ है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम जब ड्राइव कर रहे हैं ना तो हमें पता ही नहीं रहता कि जो स्पीड है वो कितनी चली गई है। तो उस चीज़ को रिमाइंड करने के लिए ये जो फीचर्स है ना वो अब आ चुके हैं। अच्छा भैया, इसका AC की अगर हम बात करें तो मैनुअल AC इसके अंदर मिलता है, तो AC की परफॉर्मेंस कैसी है आप खुद देख लीजिए, बहुत अच्छा है। ब्लोअर की स्पीड तो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, पीछे भी है, बीच में भी है। पीछे से पैसेंजर आपको नहीं बोलेंगे कि भैया AC कम करो या ज्यादा करो, उनके पास खुद ही ऑप्शंस है, मतलब डेडिकेटेड पीछे वो जो वेंट्स मिले हुए हैं। हाँ, वेंट्स मिले हुए हैं। और मैंने तो यही देखा हूँ कि आधा घंटा गाड़ी जब ड्राइव कर लेते हैं, कितनी भी गर्मी हो, तो कस्टमर कह देते हैं कि भैया AC थोड़ा कम कर दो, थोड़ा ब्लोअर की स्पीड कम कर दो। हाँ, क्योंकि कूलनेस थोड़ा कम, हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है इस वेरिएंट के अंदर नहीं है, तो मैनुअल है, तो एटलीस्ट हमें जो ब्लोअर की स्पीड है उसी को कम करना पड़ेगा। बाकी पीछे रोज में हमें डेडिकेटेड जो है वो ब्लोअर की सेटिंग तो मिल ही जाती है, जिससे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक चीज़ मेरे को उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, कार के अंदर ना बैठ कर काफ़ी ऊँचा ऊँचा फील होता है, और बोनट ना आपको पूरा जो विजिबिलिटी है ना वो पूरा विजिबिलिटी मिल जाती है, तो एक जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपको यहाँ पर जरूर मिल जाता है। सो दोस्तों, ये था ओनरशिप रिव्यू ऑफ ऑल न्यू टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और भैया जो है ना, हमारा ये फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू था जो कि हमने किया है, और जो सोनू भैया है ना उन्होंने काफ़ी अच्छा कॉपरेट किया, और एक एक जो चीज़ है ना बारीक से बारीक वो हमें यहाँ पर बताई, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ओनरशिप रिव्यू में ना जो ओनर या फिर जो भी ड्राइवर जो भी उस कार को ओन करते हैं ना, कई बार वो कैमरा शाय पर्सन होते हैं, बट यहाँ पर भैया ने A to Z एक एक चीज़ ना डिटेल में बताई है बिना शर्माए हुए। तो भैया के लिए ना 1 लाइक ज़रूर बनता है, काफ़ी अच्छे पर्सन हैं ये। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी क्या राय है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।